समय पहले सीटेट बीटेट के जो शिक्षक थे, पास आउट शिक्षक थे, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगले चौराहे पे, लेकिन अब वहाँ से हट गए हैं। चलिए हम जानते हैं क्यों रणभूमि छोड़ दी है आप। देखिए, ये जो पुरानी नई बात नहीं है, पुरानी बात है, जब हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो ये जो सरकार है, दुराचारी दुरात्मा सरकार जो है, ये अपनी पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों की जो मांग है, जो आगे बढ़ने का काम करते थे, उसको ये लाठीचार्ज से या आंसू गैस से ये छितर बितर कर देती है। और हमारे जितने भी साथी हैं, मार की डर तो पुलिस की डंटा की डर से, जब नौकरी लेने के लिए आप लोग गए, इतना हिम्मत दिखा के जब आप धरना प्रदर्शन किए, तो क्या आपको नहीं लगता ये सब जायज है इस चीज में कि आपको नहीं भागना चाहिए था? जी बिल्कुल, भागना नहीं चाहिए, हम लोग को डट कर वहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन हर प्रकार के लोग हैं, साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो पुलिस के डंटा को नहीं, पुलिस के वर्दी को देख कर ही भाग जाते हैं। जब अधिकतम लोग भाग जाते हैं तो बचे हुए लोग भी भागने की कोशिश में, या वो भी भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाग जाते हैं तो वो लोग भी, उसको भी भागना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं भागेगा तो पुलिस जो है उसको मारेगी टांगा, जैसे कि अनिसुर रहमान जी को मारे हुए, तो बेचारा अभी तक वो इलाजरत हैं, इलाज में पड़े हुए हैं। फोर्स बुला करके लाठी चार्ज किया गया, क्या करेंगे आगे? हम लोग पुनः जा रहे हैं डाक बंगला की और कुछ कर रहे हैं, और जब तक नोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं करती है तब तक हम लोग डाक बंगले पर ही रहेंगे। सरकार है मैडम, और बार बार हम लोग को ताना साहब हम लोगों पर, जब भी हम अपनी अपनी मांगों को रखने के लिए जाते हैं गांधी वाली तरीके से, तो ताना साहब नहीं तो क्या है, 3 लाख भर्तियां कब आएगी, कब आएंगी? हम लोग केवल आश्वासन, हम लोग मुख्यमंत्री का नाम बदलकर आश्वासन मंत्री रखने जा रहे हैं। मंत्री का आश्वासन, 4 साल से आश्वासन पे बैठे हैं। शिक्षा मंत्री भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, शिक्षा मंत्री हमारा तेरा पर भरोसा नहीं के, बिल्कुल नहीं। 4 साल में मैडम 3 बार सीटेट क्वालिफाई कर मंत्री हो गए, नहीं हो रहा है मंत्री आगे, अभी आप डाक बंगला पे जब द्वारा जा रहे हैं डाक बंगला के पास, जुमला मंत्री है या जुमला मंत्री, जब तक रहेंगे डाक बंगला, जब तक हम लोग के विज्ञप्ति का नहीं नियमावली आएगा जब तक हम लोग वहीं रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि हमें खदेड़ा गया, इस वजह से हम यहाँ से हट गए, अभी भी हम डाक बंगले पे ही रहेंगे, ताकि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम डाक बंगले पे रहेंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश।